हे दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन पर इतने ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं कि आप हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आप, साल और पहले आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा का नामो निशान नहीं था, फ्लिप आउट कैमरा का नामो निशान नहीं था, नॉच डिस्प्ले का थोड़ा सा नाम निशान आया था, वो भी आईफोन के अंदर। लेकिन उसके बाद जो ट्रेंड चला ना, बहुत ही कमाल का ट्रेंड चला, और आज इतने छोटे से नॉच हो गए, यू नॉच, वी नॉच, इस तरह से नॉच हो गए। लेकिन दोस्तों, आप जो चल रहा ट्रेंड, अब बेजल लेस डिस्प्ले का ट्रेंड चला, जहां पर आपको कैमरा भी नहीं देखने को मिलेगा, फ्रंट कैमरा जो पॉपअप कैमरा थे। लेकिन आप धीरे धीरे दोस्तों, उसका भी ट्रेंड खत्म हो गया है। अब यहां पर आने वाला है इन डिस्प्ले कैमरा, अंडर डिस्प्ले कैमरा, डिस्प्ले के अंदर ही आपको कैमरा मिलेगा। और दोस्तों, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराया है वो था ओप्पो, जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर ट्विटर पर लीक हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले ओप्पो ने यहाँ पर, देख सकते हैं जैसे फुटेज यहाँ देख सकते हैं वीडियो का, यहाँ जैसे कि देखे जो है ओप्पो अपने फिंगर को दिखा रहा है कि देखे डिस्प्ले में कैमरा है, जैसा कि आपको रियल में कैमरा दिखता है उस तरह से दिखा रहे हैं। और जो इसका सेलिंग का फोटो है, क्लिक किया जा रहा है ओप्पो की तरफ से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सौमी कहाँ मानने वाला है, सौमी भी यहाँ पर अपना एक जो कहे अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फ़ोन दिखा रहा है यहाँ पर, जैसा कि टेस्ट करके। यहाँ पर देख सकते दो फोन है, यहाँ पर एक बड़ा नॉच वाला डिस्प्ले है, वहाँ पर एक भी कोई नॉच नहीं है, लेकिन दोनों में फेस अनलॉक बराबर वर्क कर रहा है। लेकिन कैसे वर्क कर रहा है ये जान लेते हैं पहले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसा कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ रहा है, ओएलईडी डिस्प्ले आ रहा है, आजकल आप ट्रांसपेरेंट भी सारी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि सैमसंग का स्मार्टफोन आते थे, सैमसंग ने यहाँ तो कमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ओप्पो और सौमी ने अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पर दिखाया है, और आपको रियलिटी में आ गया है, जो जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो हम जानते थे कि जो ब्रांडेड कंपनी जैसे सैमसंग है, एप्पल है, जो महंगे महंगे स्मार्टफोन कंपनी, वो लोग सबसे पहले लॉन्च करते थे। लेकिन यहाँ पर एप्पल को भी पीछे छोड़कर ओप्पो ने सबसे पहले यहाँ पर दिखाया कि अंडर डिस्प्ले कैमरा हो सकता है, जैसा कि फिंगरप्रिंट सेंसर को काम करने के लिए लाया गया था इन डिस्प्ले। पहले फिजिकल फिंगरप्रिंट होता था, लेकिन यहाँ पर अब जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिलता है, उसके अंदर से सेंसर आपके फिंगर को कनेक्ट करता है और आपको अनलॉक करके देता है। लेकिन दोस्तों, इसी को देखते हुए यहाँ पर डिस्प्ले को भी ऐसा बनाया गया, ओएलईडी डिस्प्ले बनाया गया, जिसके कारण से आप डिस्प्ले के अंदर से ही फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसा पता नहीं चलने वाला है कि आप यहाँ पर कोई फोटोग्राफ वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हो स्पाई कैमरा की तरफ हो गया है, सिंपल चाहे तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं बिना किसी को कैमरा दिखाए हुए, एक जादू की छड़ी बोल सकते हैं हम। लेकिन आज के लिए इतने ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पर सौमी ने भी दिखाया कि आप कैसे इन डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं, कैमरा दिखाया जा रहा है, जो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं बिना कैमरा को दिखाए हुए, कहीं भी कैमरा नहीं दिखाया गया, जो बहुत ही मज़ेदार है। तो सोचिए कितना कमाल का आजकल धीरे धीरे इनोवेशन होते जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चल सके, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।